SC Verma solution, chapter 2, physics and mathematics, question number 8. A carrom board 4 feet into 4 feet square has a queen at the center. The queen hit by striker moves to the front edge, rebound and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen, first from the center of, to the front edge, second from the front edge to the hole, and third from the center to the hole. Okay, yani yahan pe apne paas center pe pehle queen thi, striker se yahan hit kiya jaise hi, तो B पे स्ट्राइक हुआ, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर वापस इस होल में गिर गया, ठीक है। तो यहाँ से हमने स्ट्राइकर, यहाँ से कहीं से स्ट्राइकर से मारा इसको, ठीक है। तो अपने को फाइंड किया करना A टू B डिस्टेंस, B टू C डिस्प्लेसमेंट और A टू C डिस्प्लेसमेंट, ये अपना क्वेश्चन है। ओके, तो इसको देखो, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो जितने एंगल पर इंसिडेंट हुआ उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, यानी ये थीटा दोनों सेम होंगे, दोनों एंगल सेम होंगे, यानी ये डिस्टेंस एक्स है तो ये भी डिस्टेंस एक्स होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस भी मेरा क्या होगा, x होगा, राइट। और ये डिस्टेंस भी क्या होगा, x होगा। और ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, ये 4 फीट का आधा 2 फीट है, राइट। ओके, तो इनका नाम दे देते हैं, ए बी सी डी है ना, तो ये d दे देते हैं, इसको e दे देते हैं, इसको f दे देते हैं, इस पॉइंट को f, और ये g है, और ये h दे देते हैं, राइट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने को फाइंड करना है x की वैल्यू, फाइंड कर देते हैं। तो देखो, ट्राइंगल मैं लेता हूँ, ट्राइंगल ए बी एंड ई, ये ट्राइंगल ए बी ई ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में अगर टेन थीटा बोलूँ मैं, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस कौन है, बी ई, राइट। तो बी ई, तो इसको बी ई कितना है, एक्स बाई हाफ डिस्टेंस है 4 का, यानी 2 फीट, यानी टेन थीटा आ गया एक्स बाई 2। नेक्स्ट मैं ट्राइंगल देखता हूँ जी बी सी, जी बी सी, और इसमें अगर टेन थीटा देखूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना है, जी सी अपॉन बेस कितना है, बेस है अपना बी जी, राइट। ओके, तो बी जी तो 4 है, और लेकिन जी सी क्या है, देखो ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये पूरा 2 फीट है, तो ये एच सी कितना आएगा, एच सी निकाल देते हैं, एच सी आएगा देखो 2 फीट माइनस 2 एक्स, राइट। ओके, और जी सी कितना आएगा, जी एच प्लस एच सी, यानी ये आएगा x प्लस 2 माइनस 2 एक्स, यानी 2 माइनस एक्स आया कौन, जी सी, जी सी अपने कितना है 2 माइनस एक्स, यानी ऊपर आएगा ये 2 माइनस एक्स। अब देखो एंगल सेम है, हमने रिफ्लेक्शन के लॉ से बोला एंगल तो सेम ही होगा, तो यहाँ पे x बाई 2 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई 4, यानी कि 2x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, यानी 3x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2 बाई 3 फीट आ गया, राइट। ओके, ये अपना काम का, x कितना है 2 बाई 3 फीट। ओके, नेक्स्ट ए बी फाइंड करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अपन ए बी फाइंड करते हैं। तो ट्राइंगल वापस देखो, ट्राइंगल ए बी सी, सॉरी बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, इसमें देखो ए बी है वो हाइपोटेनियस है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, बेस स्क्वायर प्लस, यानी बी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर, राइट। यानी ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर कितना है, 2 स्क्वायर, यानी देखो ये कितना है, एक्स कितना अपना 2 बाई 3, यानी 4 बाई 9 प्लस 4, यानी ये कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा देखो 9 इंटू 4 36, 36 प्लस 4 40 बाई 9, यानी कि 2 बाई 3 रूट 10 फिट, ये क्या आ गया अपना ए बी आ गया। ओके, फर्स्ट ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में अपन बी सी निकाल रहे हैं, तो ट्राइंगल कंसिडर करो कौन सा, जी बी सी, जी बी सी ट्राइंगल देखो, इसमें जो बी सी है वो आपका हाइपोटेनियस है, और बेस आप जी बी को ले लेते हैं, तो जी बी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर आएगा। ओके, तो जी बी कितना है 4 का स्क्वायर, और जी सी कितना है, जी सी, जी सी अपन ने निकाला यहाँ पर देखो जी सी, तो 2 माइनस 2 बाई 3 कितना, जी सी आएगा 2 माइनस 2 बाई 3, तो ये कितना गया 6 माइनस 2, यानी 4 बाई 3 आ रहा है, यानी 4 बाई 3 का स्क्वायर, 4 बाई 3 का स्क्वायर करना है, यानी यहाँ से बी सी आएगा अपना 16 प्लस 16 बाई 9, राइट। ओके, ये आ जाएगा 16, कुछ गलत किया, 4 इंटू 4, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ सही है। तो ये देखो यहाँ पे ये 4 का रूट है ना, तो 4 बार ले लेते हैं, तो ये आया 1 प्लस 1 बाई 9, 9 1 प्लस 10 बाई 9 आ रहा ना ये, तो 4 इंटू रूट ऑफ 10 बाई 9, यानी कि 4 बाई 3
√10 फिट आ रहा है, राइट। ओके, तो बी सी भी अपने पास आ गया। अब लास्ट फाइंड करना है अपने को ए सी, राइट। तो ए बी ए सी के लिए ट्राइंगल कंसिडर करो ए एफ सी, ट्राइंगल ए एफ सी, ए एफ सी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए सी लिखेंगे तो ए सी क्या आएगा, रूट ऑफ ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, यहाँ दोनों टू है, ये भी टू स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, यानी कि चार चार आठ, यानी टू रूट टू फिट, क्लियर।